गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूनिक कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास टेंथ का एक चैप्टर मैडम राइड्स द बस प्रोज में है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ये शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने दोस्तों आज दिया है। इसके पहले अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन देते थे, लेकिन इसमें मुझे शार्ट क्वेश्चन में जो है कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने इसमें जो है पहले शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है देने का प्रयास किया। तो दोस्तों समय न गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है, व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल वल्ली एज मैडम, माने जो बस कंडक्टर है वो वल्ली को मैडम क्यों कहा, क्यों पुकारा। तो इसका आंसर दोस्तों लिखा गया है द कंडक्टर, दोस्तों ये डी लिखा हुआ है, डी द कंडक्टर वाज ए जाली फेलो, माने कंडक्टर क्या था, एक जो है मुझसे मनोरंजन वाला जो है आदमी था, साथी था। और ही हैड जज्ड द टेम्परामेंट ऑफ दिस स्मॉल चाइल्ड, माने वह इस छोटी सी बच्ची को जज करना चाहता था, माने जज किया। जज का मतलब होता है जैसे जांचना। आगे लिखा है इट वॉज वनली टू प्लीज हर, वह केवल उसे खुशी देना चाहता था। और ही कॉल्ड वल्ली मैडम, इसीलिए उसने क्या कहा, वल्ली को मैडम कहा था, माने केवल उसकी खुशी को, खुशी के लिए, क्योंकि वह जो है बस में सवारी करना चाहती थी पहली बार। तो जब वह पहली बार जो है एंट्री करती है तो उस समय जो है कंडक्टर ने उसे जो है ये वल्ली को जो है मैडम का कर पुकारा था ताकि उसे खुशी मिल सके। दूसरा जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिखा इसमें, व्हाट वाज वल्लीज फेवराइट पास्ट टाइम, पास्ट टाइम माने मनोरंजन होता है, माने वल्ली का सबसे पसंदीदा जो है मनोरंजन क्या था, क्या वो एम्यूजमेंट करना चाहती थी। तो आंसर लिखा गया है दोस्तों, वल्ली वाज ए तमिल गर्ल, वल्ली एक तमिल की लड़की थी। शी हैड नो प्लेमेट्स, उसकी कोई जो है खेल वाले साथी नहीं थे। इट वाज हर फेवराइट पास्ट टाइम, करा उसका सबसे पसंदीदा जो मनोरंजन था वो स्टैंड इन द डोर वे ऑफ हर हाउस, माने अपने घर के दरवाजे पर जो है खड़े हो जाना। और शी हैड अटेंड टू मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और वह क्या करती थी, अनयूजुअल माने असामान्य अनुभव को करा वह अटेंड करती थी या कलेक्ट करती थी, आप ये भी बोल सकते हैं। माने वह केवल जो है गली में देखती रहती थी आते जाते लोगों को, कैसे लोग सवारी करते हैं, कौन कैसे आ जा रहा है, और उसी चीज़ को क्या की, अपना जो है कलेक्ट करती थी अपने मन में हमेशा। दोस्तों यही दूसरे क्वेश्चन का आंसर यही था। जो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें है, वो तीसरे क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर, माने वल्ली की सबसे कह सकते हैं गहरा इच्छा क्या था, गहरी इच्छा क्या थी। फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेज इन द स्टोरी, माने हमको इस कहानी में क्या वर्ड्स और स्टोरी में करा इसको फाइंड करना है, दैट टेल यू दिस, जो करा तुम्हारे द्वारा इसमें कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर लिखा गया है, मेन तो आपका इसी क्वेश्चन से है, मेन क्वेश्चन आपका यही है डीपेस्ट डिजायर। तो इसका आंसर लिखा गया है वल्ली डीपेस्ट डिजायर वाज टू गो ऑन द बस राइड, माने वल्ली की सबसे जो गहरी जो इच्छा थी करा बस में सवारी करना। और द वर्ड्स एंड फ्रेजेज विच टेल अस दिस आर सोर्सेस ऑफ यूनेंडिंग जॉय शेयर विशफुल्ली एंड किंडल इन हर लॉन्गिंग ड्रीम्स एंड होप्स, माने ये सब क्या थे, मतलब वर्ड्स थे और ये फ्रेज भी थे इस कहानी में जो बताए गए हैं। तो दोस्तों मेन क्वेश्चन आपका यही था कि वल्ली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी। तो वल्ली की दोस्तों सबसे जो गहरी इच्छा थी वह बस में सवारी करना था। जो चौथा क्वेश्चन इसमें दोस्तों लिखा हुआ है, वो लिखा है व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, माने वल्ली की, माने वल्ली ने क्या किया, कब, जब वह बस में चढ़ गई थी तब, उसके बाद, माने बस में चढ़ने के बाद वल्ली ने क्या किया। तो आंसर दोस्तों लिखा है आफ्टर वल्ली गॉट इनटू द बस, माने जो है
बल्ली के बस में चढ़ने के बाद शी लुक्ड एवरीथिंग वेरी जो है थॉटली, माने वह सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से विचार करते हुए सभी चीज़ों को देख रही थी। वेन सी लुक्ड आउटसाइड, जब उसने बाहर की तरफ देखा या सब कुछ दिखाई पड़ा, तो सी फाउंड, उसने पाया कि हर व्यू, यहाँ है हर होना चाहिए, यहाँ दोस्तों आपका जो एच ई लिखा है यहाँ हर होना चाहिए, कि हर व्यू कट, हर व्यू कट ऑफ बाय द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। उसने क्या देखा कि जहाँ पे वो मतलब बैठी थी वहाँ की जो खिड़की थी वो खिड़की का आधा भाग लगभग जो है कपड़े से, कैनवास से क्या था, ढका हुआ था, कवर्ड था। तो वो जो है सीट पे चढ़ जाती है दोस्तों, और सीट पे चढ़ने के बाद पर्दे को हटाकर वो जो है देखने का प्रयास करती है। तो यही दोस्तों वल्ली ने क्या किया, उस पर्दे को हटाया था जो विंडो पर लगी हुई थी, और बाहर फिर उसने देख खिड़की से देखना स्टार्ट किया उस बस में से। पांचवा दोस्तों क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है, पांचवा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड वल्ली फाइंड द फाइंड, माने वल्ली ने क्या पाया। सी एंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर में प्रवेश करती है, कब, आफ्टर द राइड फ्रॉम द बस, माने बस से यात्रा करने के बाद जब वापस आती है, जब अपने घर में प्रवेश करती है, तो वल्ली क्या पाती है। तो इसका आंसर दोस्तों लिखा गया है कि वल्ली एंटर्ड हर हाउस, वल्ली अपने घर में जो है प्रवेश की, आफ्टर द राइड फ्रॉम बस, माने बस से सवारी करने के बाद, तो क्या देखा उसने कि हर मदर वाज अवेक, उसकी माँ जाग रही थी, और टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट्स, माने किसी एक आंट से, माने चाची से किसी से बात कर रही थी, और सी वाज फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, करा कि वह कहाँ थी, करा कि साउथ स्ट्रीट, माने साउथ की गली से थी, यानी जिससे उसकी माँ बात कर रही थी, एंड वाज अ रियल चैटर बॉक्स, और वह वास्तव में बहुत बातूनी थी। सी वुड नेवर जो है क्लोज हर माउथ, माने वह कभी भी अपने मुंह को बंद नहीं रखती थी, वंस सी स्टार्टेड जो है टॉकिंग, अगर एक बार वह शुरू हो जाती थी, माने अगर एक बार वह बात करना शुरू कर देती थी, तो वह अपने दोस्तों जो है अपने मुंह को बंद नहीं करती थी। यही दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का आंसर था। अब दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को तैयारी कीजिए, लिखिए कॉपी में और इसको याद करने का प्रयास कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। दोस्तों वीडियो की थोड़ी क्वालिटी को बढ़ा लेंगे ना तो आपका वीडियो बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाइए और बिल्कुल आपको हर एक लेटर आपको साफ दिखाई देगा। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए ताकि जो है लोग इस पर सब्सक्राइब कर सकें और ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो और हमारे लिए भी हो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय बेस्ट फ्रेंड।